हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री का, जो है बनके रेडी हो गया और भरपूर पोषक तत्व तो युक्त ये फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए क्या है, हमें चाहिए सूखे हुए फूल। और सूखे हुए फूल कहाँ से मिलेंगे, हमारे ही गार्डन से। जो फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं तो क्या है, हम उनको तोड़ के हटा देते हैं। तो आप क्या है, इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद इनको सेव कर लीजिए। इसके बाद क्या है, जब ये थोड़ी सी सूख जाए तब ये फर्टिलाइजर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, एक लेना है जार, कुछ इस तरीके से जार लेना है। और इनमें जो सूखे हुए फूल है, देखिए इनमें सूखे फूलों की बात करें, देखिए हिबिस्कस के भी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो हिबिस्कस के फूल होते हैं। क्रिसैंथेमम में के फूल में भी काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ में साथ ये पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है। गेंदे का फूल तो आपको पता है कि कितने फ़ायदे होते हैं गेंदे के फूल में। और इसमें जो गजानिया के फूल वो भी सारे हैं। तो जो भी फूल निकल रहे हैं आपके गार्डन से, क्या है वो थोड़ी सी वो ड्राई कर ले, उसके बाद क्या है जार ले, कंटेनर ले क्या है, और उनमें फील कर दीजिए। फील करने के बाद हमने क्या करना है, पहले मैं इनको फील कर देती हूँ। और बहुत ही अच्छा जो है ये भरपूर पोषक तत्व युक्त जो है फर्टिलाइजर बनेगा, जो हमारे पौधों को जो है काफ़ी जो है फायदे पहुँचाएगा, पौधे की ग्रोथ में जो है बूस्ट करेगा, ग्रोथ को जो है अच्छी करेगा। तो बस हमने क्या है ये फील कर दिया, ये देखिए फील करने के बाद इसमें क्या है, हमने पानी मिक्स करना है, इट मीन्स पानी डालना है। तो इसमें पानी जो डालना है वो पूरा फूल करके नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर से जो है 3-4 इंच तक जो है स्पेस हम जार का जो है खोल देंगे, खाली रहने देंगे। ये देखिए इतना इतना हमने पानी फील किया, यहाँ तक हमने क्या है पानी फील कर दिया, ताकि इन पे जो गैस वगैरह होंगी वो उनको उनके लिए भी जो है स्पेस चाहिए। तो इसलिए क्या है, हम इनको जो है इतना जो है पूरा फील नहीं करेंगे, कम से कम 1/4 जो हम थोड़ी सी जो है स्पेस जो है ऊपर से हम खाली रखेंगे। और इसके बाद क्या है, हम इनको जो है ढक के जो है रख देंगे। ढक के रखने के बाद इनको रखना है कितने दिन, कम से कम 2 दिन, 2 दिन रखिएगा। अभी समर का टाइम है इसलिए आप 2 दिन रख सकते हैं, अगर विंटर का टाइम होता तो 4-5 दिन हमें रखना पड़ता। तो 2 दिन रखने के बाद क्या है, रोज जार को का ढक्कन जो है ओपन करके थोड़ी सी इनको स्टार्ट चला लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद पीर क्या है बंद करके फिर इनको रख दीजिए साइड में, और रखना है बिल्कुल शेमी शेड में रखना है, बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पर नहीं रखना है, वहाँ पर रखिए जहाँ पर क्या है सूरज की जो सनलाइट है वो जो है ना पहुँच पाए। तो चलिए हम इनको रख देते हैं, फिर अगले दिन जो है मिलते हैं। तो 2 दिन के बाद कुछ ऐसे जो है कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और कुछ ऐसे तरीके से जो है इसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा। देखिए अब क्या है, इसको हमने क्या करना है, ढक्कन को हटा देते हैं और लेना है और इनको छान लेना है अच्छी तरीके से। इनको छान लेंगे, छान के इस्तेमाल करना है, याद रखिए। और छानने के बाद क्या करेंगे, इनमें जो है ये जो बचा हुआ इसको हमने फेंकना नहीं है, इनमें क्या है 3-4 बार तक जो है और जो है ऐसी करके जो है फर्टिलाइजर जो है बन सकता है। तो इनमें जो है दोबारा से हम पानी जो है फील कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें मैं पानी दोबारा से फील कर देती हूँ, और क्या है हमने इसको फिर से जो है ढक के रख देना है। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर जो रेडी हुआ है बनके, अब हमने इसको क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो इनमें देखिए क्वांटिटी कितनी है, और इनमें अगर हम दोबारा से इस पूरे इस कंटेनर को फिल करते हैं तो 4 से 4 गुना जो है पानी इनमें फिल कर पाएंगे। तो बस इसमें 4 से 5 गुना पानी फिल करना है हमने, और ये हमारा भरपूर पोषक तत्व युक्त जो है कीट पतंगों को मारने वाला जो है फर्टिलाइजर मिल गया। तो देखिए ये फर्टिलाइजर भी है, साथ में पेस्ट कंट्रोल का भी काम करेगा, फंजीसाइड को फंजीसाइड का भी काम करेगा। तो चलिए हम क्या है इसको पौधे में दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो है डायंथस के पौधे हैं, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो हम इनमें क्या है मात्रा की बात करें कि एक गमले में हमें कितना देना दे सकते हैं, तो एक गमले में क्या है अगर 8 इंच का है तो 2 से 2.5 ml तो जो है पानी आप जो है फर्टिलाइजर को जो है दे सकते हैं पौधों में, और बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये फर्टिलाइजर जो है आप 15 डेज के गैप पर अपने पौधों में दे सकते हैं, सभी पौधों में जो भी आपके पास पौधे हैं। इसमें वो नहीं है कि हमें क्या पर्टिकुलर किसी प्लांट में देना है, सभी पौधों में जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल वाले हो, चाहे फ्लावरिंग वाले हो, चाहे इंडोर वाले पौधे हो, उनको भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए चिली बहुत अच्छे से जो है लग गए हैं, अच्छे से जो फ्रूटिंग आने जो शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कितने लंबे लंबे से हुए हैं। क्या है चिली की मेरी दूसरी प्लांट है, यहाँ पे भी जो है काफ़ी इसे तो मैंने हार्वेस्ट करिए हैं 2 टाइम पहले से,
अभी भी काफ़ी अच्छे से जो है ये फ्रूटिंग दे रहे हैं। देखिए अभी हार्वेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा जो है रेडी होने लगे हैं, लेकिन छुपे हुए पता नहीं चलता, इनकी जो लीफ पत्तियाँ जो होती हैं उसकी वजह से क्या है पता नहीं चलता। और देखिए इसमें क्या है मरोड़ रोग लग रहा है, तो इनको इनका ट्रीटमेंट कल इवनिंग टाइम में मैंने किया है, तो क्या किया है वो मैं आपके साथ जो है जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च के पौधे, जब ये शुरुआती स्टेज में अगर ये थोड़े से क्या है बड़े हुए थे, देखिए 5-6 इंच तक बड़े हुए थे, तब क्या है मैंने यहाँ से इनको पिंच कर दिए थे, और उसके बाद से देखिए 3-4 ब्रांचेस जो है मल्टीप्लाई हो गए हैं। और ये मेरे चिली के पौधे हैं कुछ, अगेन यहाँ पे शिमला मिर्च के पौधे हैं, इनको क्या मैंने हार्वेस्ट कर लिया। अब देखिए कितने भारी तादाद में जो है शिमला मिर्च जो है इनकी कलियाँ बनी हैं, बात करें तो 6 कलियाँ जो है आपको दिखाई दे रही हैं देखिए। और पौधा जो है काफ़ी अच्छे से स्टेबल है, और इनको जो है सपोर्ट जरूर दे दे, क्योंकि इस टाइम पे आंधी वगैरह जो है चलती है तो पौधे जो है हिल जाते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं, तो सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है पौधों को। तो बस दोस्तों फूलों को सुखा के फूलों से ही जो है आप फर्टिलाइजर बनाइए और अपने पौधों में जो है आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे करके हम फर्टिलाइजर घर पे ही बना के अगर पौधों को दें तो हमें क्या है फूलों की जो है कमी नहीं होगी कुछ, और जो है फर्टिलाइजर देने से हम बचेंगे, हमें क्या है बाहर से जो है फ्लावर जो है लेने के लिए जो है फर्टिलाइजर खरीदने की जो है रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये देखिए डहेलिया की जो फूल स्पेंट हो गए हैं। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।